नमस्कार प्रशिक्षु, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और इस सेशन का आप अंत तक बने रहिए। पूरा परिणाम क्या है और इस वीडियो का बनाने का मतलब क्या है, आप लोग के बहुत सारे कमेंट थे वह लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके यह कमेंट भी और ये डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। साथ ही सबसे पहले बच्चों का यह कमेंट है कि सर सीटेट कब तक आ रहा है। खैर, इस पर भी हमने बहुत सारे सेशन लिए हैं। अब सीटेट पे अगर यह कह लिया जाए तो भरोसा करने लायक नहीं है साथी, क्योंकि आप लोग के कहे गए अनुसार आप लोग के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे। हमने कहा जब कोई ठोस सबूत हो तो बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा कंडीशन में क्यों फालतू का ऐसे ही वीडियो बना दिया जाता है। तो हमने इसका बहुत सारा मतलब इसके वेबसाइट पे सीबीएसई की वेबसाइट पर हमने सर्च किया, सीटेट.इन, ऐसे सारी चीज़ें जितनी वेबसाइट थी हमने सर्च किया, लेकिन उस पर कोई भी इस एग्ज़ाम को लेकर अता पता कुछ नहीं था। खैर, हो सकता है जब यह आप वीडियो बहुत दिनों बाद देख रहे हों तो तब तक इसका नोटिफिकेशन आ गया हो, तो खैर अलग बात है, आप टाइम ड्यूरेशन देख लिया करिए। दूसरी तरफ यूपीटेट से पहले होगा सीटेट या बाद में होगा, बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेरी यह भी है कि सर क्या सुपर टेट से पहले सीटेट और यूपीटेट हो जाएगा, सीटेट यूपीटेट हो जाएगा। भैया यूपीटेट से पहले होगा या बाद में होगा? देखिए यूपीटेट के बारे में साथी, क्योंकि वो डीएलएड के एग्जाम कराकर मतलब डीएलएड के जो रिजल्ट है उसके अनाउंसमेंट कर वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और उधर का प्रोग्राम चलता रहेगा। डीएलएड के एडमिशन इस समय बच्चों का मतलब जो लिया जा रहा है, नए सत्र का फॉर्म वगैरह फिलअप हो रहा है, 6 जुलाई तक फिलअप होगा, उसके बाद वो फ्री हो जाएंगे। यानी कि जुलाई के बाद उन्होंने खुद साफ साफ बोला है साथियों नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपके बस यह जो अगले यूपी टेट हैं वह अगस्त तक उस पर कार्यक्रम पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि आप इतना मान के चलें अगस्त लास्ट तक सितंबर के फर्स्ट वीक में यूपी टेट के नोटिफिकेशन तो आ जाएंगे। बच्चों सीटेट के नोटिफिकेशन के लिए हम श्योर नहीं है, इस वजह से हम आपको मतलब अंधेरे में नहीं रह सकते इसके लिए कि कब आएगा, लेकिन हाँ कुछ हम चीज़ें बता सकते हैं इसमें कि कब तक आ सकता है। यानी ये कुछ एक्सपेक्टेशन इसमें किया जा सकता है, कुछ चीज़ें इसमें बताई जा सकती हैं कि कब तक आएगा, क्योंकि देखिए अब इसके पास वक्त नहीं है कि ये दो बार एग्जाम कराए। पहली बात, इसके पास कदापि वक्त नहीं है कि दो बार एग्जाम कराए, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। अब 6 महीने के अंदर ये दो बार एग्जाम तो ले ही नहीं सकता और बहुत सारे राज्य जो है साथी इसी पर डिपेंड हो गए हैं। अब जैसे कि बिहार अब केवल सीटेट पर डिपेंड हो गया है, उसका का नाम है भविष्य में हो सकता है, बाय द वे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आप लोग मतलब कि फालतू का मतलब इस प्रकार के कमेंट नहीं करेंगे सर क्या यूपीटेट खत्म हो जाएगा, अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में मे बी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यूपीटेट, जब उत्तर प्रदेश में सीटेट भी अलाउ है यूपीटेट भी अलाउ है, अभी तक सीटेट दो बार हो रहा था तो इसका लाभ नजर आ रहा था, लेकिन अगर सीटेट अगर एक बार कर दे, यूपीटेट एक बार तो है ही, तो यूपीटेट का कराने का क्या मतलब रह जाएगा आप खुद बताइए। जब सीटेट के बेस पर आप यूपी में बैठ पा रहे हैं तो बच्चे इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करें, इसके लिए भी फॉर्म फिलअप करें, तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा बच्चा ना, लेकिन सीटेट तो हर साल आएगा और यूपीटेट भी हर साल आ रहा है। सीटेट दोबारा आता था, यूपीटेट एक बार आता है, यह भी आता है था, अब इस बार से इन्होंने एक बार कर दिया, हो सकता है अगले बार से अगले साल से दो बार कर दें, तो सीटेट का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हमारे पास है। बच्चे यूपीटेट का अगर बात करें तो यूपीटेट अगस्त के बाद आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, यह श्योर है, आप लोग श्योर रहिए। सारी बात कर लेते हैं, अगर इसका एग्जाम भी मतलब नोटिफिकेशन भी आएगा तो इसका भी कह लीजिए सितंबर के पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा साथी, क्योंकि नवंबर दिसंबर के आसपास में इसका एग्जाम होगा। सेम इसका भी एग्जाम नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा या फिर नवंबर के मिड तक कह लीजिए इसका एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक और नवंबर के मिड तक इसका एग्जाम कराए जाने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है साथी। अगर यूपीटेट के सारे क्लास करने हैं तो आप आ जाइए प्लेलिस्ट में, सभी सब्जेक्ट के बिल्कुल बिजोड़ और प्रैक्टिस सेट के साथ प्रीवियस ईयर 10 पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, आप आकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एग्जाम कब से होंगे बच्चा हमने बता दिया, इसका एग्जाम भी हमने बताया अक्टूबर लास्ट और नवंबर के मिड तक खत्म हो जाएगा, एक दिन होगा, एक ही दिन मतलब उसी के बीच में कराए जाएंगे और एग्जाम का डेट आपको पता चल गया। सीटेट की अगर बात कर ले साथी तो इसका भी नवंबर के लास्ट तक इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा बच्चा, इसके लिए श्योर रही है आप, ठीक है? तो दोनों के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत समय नहीं है आपके पास, क्योंकि दोनों थोड़े से सिलेबस दोनों के अलग अलग हैं, जो कहता है सिलेबस समान है ना तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है बस और कुछ नहीं। साथी लाभ किस में होगा, देखिए लाभ की बात करें अगर सीटेट अगर यूपी टेट नहीं खत्म होता है, बिहार टेट नहीं खत्म होता, अभी खत्म नहीं हुआ बच्चा, इसमें मत जाइएगा खत्म हो गया है, हम बता रहे हैं जैसे नहीं खत्म होता है
तो सीटेट इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश का यूपी टेट निकाल लिए हैं, बहुत साल से 2016-2017 से ही निकाल लिए हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई नई वैकेंसी नहीं आई है, 4 साल 5 साल होने को है, तो अगर आप सीटेट नहीं क्वालिफाई करना चाहते हैं, सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश की अगर शिक्षक बनेंगे, उत्तर प्रदेश में ही शिक्षक बनेंगे, तो आपको अभी 2 साल और वेट करना पड़ सकता है। मे बी 2 साल आपको और वेट करना पड़ सकता है। अब यह सोचना है साथी कि सीटेट पे क्या लाभ है। सीटेट से देखिए लाभ बहुत सारे हैं साथी। पहली बात, आप रीट में जो आप रीट निकालना होता है वह नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसमें बैठ सकते हैं। आप बिहार में ज्वाइन, मतलब बिहार का होने वाला है साथी अभी शिक्षक भर्ती 80,000 आने वाली, उसमें बैठ सकते हैं। प्लस अगर बात करें साथी, इसमें केंद्रीय लेवल पर KBS आता है, NVS नवोदय विद्यालय का आता है, DSSV जो दिल्ली सबॉर्डिनेट का आता है साथी, उसमें बैठ सकते हैं। मतलब यह सारे एग्जाम के इसके प्रॉफिट, और बहुत सारे सेक्टर इसे शिक्षक भर्ती निकालते हैं, जब सीटेट क्लियर रहेगा तभी आप बैठ सकते हैं। तो इसके बहुत सारे लाभ है बच्चा, इस वजह से आप इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, हम यही कहना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चों का नाम है कि सर सुपर टेट से पहले सीटेट यूपी टेट हो जाएगा। बच्चा यह पूरी गारंटी तो नहीं कह सकते हम इसका ले सकते, क्योंकि भविष्य किसी ने देखा नहीं है, इस बात का हम श्योर नहीं हो सकते कि अभी से हम आपको बोल दें कि सुपर टेट से पहले यूपी टेट सीटेट हो जाएगा, हम इसका सियोरिटी नहीं दे सकते आपको, क्योंकि चाहे जो भी राज्य सरकार हो यह देखकर नहीं कराती है एग्जाम सुपर टेट का कि हम पहले आगामी यूपी टेट और सीटेट करा लें तो उसके बाद हम सुपर टेट कराएंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार यूपी टेट करा लिया, 3 ये इस बार चौथी बार हो जाएगा, चौथी पांचवी बार। अब इसके पहले तो बच्चा यह शिक्षक भर्ती निकाले ही नहीं थे, तो यह कदापि यह चीज़ें नहीं कह सकते कि हम यूपी टेट करा कर शिक्षक भर्ती कराएंगे, क्योंकि ये तो कई बार यूपी टेट करा लिए। तो आप इस पे श्योर रहिए कि अभी जो डाटा सामने हमारे शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने ला के रखा हुआ है, उसके माध्यम से अगर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती भी आगामी 2 साल तक नहीं आने वाली है। और तो आप लोग श्योर रहिए, हम यह नहीं करते, पूरी तरीके से श्योर रहिए, लेकिन श्योर रहिए बच्चा आप पूरी तरीके से कि सीटेट और यूपी टेट हो के रहेगा इस साल भी, और मे भी पॉसिबिलिटी यह बनेगी सीटेट 2 बार हो जाए अगर यह साल में 2-2 बार कराते हैं तो, नहीं तो यूपी टेट 1 आप दे लेंगे बहुत अच्छे से दे लेंगे, और मे भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप यूपी टेट दे लेंगे। बच्चों का कहना था कि चुनाव के पहले भर्ती आ जाएगी, भर्ती नहीं आई, बच्चों का नाम था पहला हमारा विधानमंडल मतलब विधानसभा बैठेगा तो उसमें भर्ती का जिक्र किया जाएगा, बच्चा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 10,000 का 100 दिन का रोजगार देने की बात तो करी, UPSSC मतलब पिट के भरोसे PET निकालो तो 10,000 के उसी के उसमें जॉब वगैरह निकालने की बात इन्होंने कहा। इसके बाद साथ ही इन्होंने यह भी जिक्र तनिक भी नहीं किया कि शिक्षक भर्ती कब आएगी, बल्कि हमारे विरोध में ही उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ शिक्षक सरप्लस हैं। इन सब को देखते हुए तो यही लगता है सुपर टेट से पहले यूपी टेट सीटेट एक बार हो जाएगा। हमें इस बात की खुशी नहीं है कि यूपी टेट सीटेट पहले हो जाएगा, हमें इस बात की भी खुशी नहीं होगी बच्चा कि आप बहुत सारे बच्चे यूपी टेट सीटेट नहीं दिए रहेंगे, शिक्षक भर्ती आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, आप लगे रहिए, बस चाहे जो पहले आए उसे फोड़ना है, और ज़्यादातर चांस बनेगा बच्चा कि आपका यूपी टेट सीटेट आ जाए। तो आप लोग फोकस करके पढ़ाई करें, और सुपर टेट चाहे जब आएगा हमें निकालना है, तो उसके लिए आपको पहले इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, जो बच्चे नहीं निकाले हैं क्लियर किए हैं, तो आप लोग लगे रहें, यह जरूर आपका क्लियर होगा, इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इसके कंपेयर में। तो आप अगर इसमें ज़्यादा एफर्ट लगा देते हो तो आपका 80% 82-70% बच्चा सुपर टेट के लिए आप तैयार हो जाते हो। तो इस पर ज़्यादा एफर्ट लगाइए और इसके लिए भी तैयारी करिए, ठीक है ना। यह इस पर एफर्ट लगाने का मतलब है आपका सुपर टेट तैयार होगा, KBS के बहुत सारे सेक्टर तैयार हो जाएंगे, NBS बच्चा KBS का फॉर्म आने वाला, अगर सीटेट क्लियर होता तो भर देते। तो सीटेट पर ज़्यादा फोकस करिए, और फॉर्म बहुत जल्द आपके सामने देखने को मिल सकता है, आप लोग फोकस करके पढ़ाई करिए। यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने चला दिए हैं, मतलब खत्म कर दिए हैं, आप आइए, सारे सब्जेक्ट की क्लास प्लेलिस्ट में है, कहेंगे तो टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे सारे प्लेलिस्ट, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम का नाम है करंट हेवन। और सीटेट का भी बहुत सारे क्लास हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे ही हमें सुनगुन मिलता है नोटिफिकेशन का हम फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे बच्चा, क्योंकि CDP हमने खत्म कर दिया है, मैथ खत्म कर दिया है, किसके लिए और इन्वायरमेंट खत्म कर दिया है सीटेट के लिए, 15 नंबर वाला पोर्शन, पेडागॉजी वाला नहीं, पेडागॉजी वाला अभी CDP हम चला रहे थे लेकिन कुछ दिन बाद हमने बंद किया क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो फिर से कंटिन्यू कर देंगे। इससे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। आपके जो भी डाउट हैं कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो जरूर लाया जाएगा। धन्यवाद।